हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। बात करेंगे इनॉक्स ग्रीन की, जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, और इसी बीच में कंपनी के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे बुलिश मोड में देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस टाइम दोनों ही इंडेक्सेस जो हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के, निफ्टी 50 एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा खासा तेजी उछाल जो आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नया बाउंड वीक हाई जो है क्रिएट करती जा रही है इंडियन स्टॉक मार्केट। क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस में ही जो है कवर अप होती हुई नजर आ रही, क्योंकि उस बीच में काफ़ी चीज़ें घटी, मार्केट इन्फ्लेशन आया, रूस यूक्रेन वॉर आया, तो इन सारी चीज़ों को अगर पीछे छोड़ के अब मार्केट में जो है एक बुलिश मोड देखने को मिल रहा है। और ऐसे में क्या इनॉक्स ग्रीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिन लोगों को आईपीओ के अंदर हिस्सेदारी नहीं मिली थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्या कुछ अच्छा अपडेट जो है इनॉक्स ग्रीन से रिलेटेड निकल के आ रहा है। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो 57 रुपये 10 पैसे पे जहां उससे पहले दिन की क्लोजिंग थी, जो लास्ट क्लोजिंग रही वो 55 रुपये 20 पैसे पे रही, ऑलमोस्ट 1 रुपये 90 पैसे की गिरावट 3.33% के साथ में देखने को मिली। तो एक अच्छी खासी करेक्शन कहूंगा, 2% के आसपास की, 3% के आसपास की। और अगर आप बीते 5 दिनों से स्टॉक का प्राइस देखें तो जहां ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ था तो भी ऑलमोस्ट 8% के डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, जबकि अभी बीते 5 दिनों में भी ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 9% के आसपास तक करेक्शन दिखा भी चुका है। और अगर एक महीने के राउंड फिगर्स की मैं बात करूं तो 6% से आसपास के करेक्शन अभी भी बरकरार इनॉक्स ग्रीन में देखने को मिल जाती है। 6 महीने की देखें तो 6.60%, और अगर आप मैक्सिमम गिरावट देखें तो एक ऑलमोस्ट जो इसके आईपीओ लिस्टिंग प्राइस के आसपास की बात करें तो 11.5% के आसपास तक की करेक्शन इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज में अभी भी बरकरार देखने को मिल जाती है। तो करंट लेवल्स पे खरीदना क्या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसके बारे में जो अपडेट है उससे अंदाजा हम लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लोजिंग डे का जो वॉल्यूम रहा था 14,39,617 शेयर्स का था, ऑलमोस्ट राउंड फिगर 14.5 लाख का, और 19,831 शेयर्स अभी भी सेलिंग क्वांटिटी में आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में देखने को मिल जाते हैं, जबकि 9,195 शेयर्स जो है बाइंग क्वांटिटी में आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पे हर रोज बैंक निफ्टी निफ्टी की 1 से 2 डेमो कॉल प्रोवाइड करता हूं, जिनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% से ऊपर रहती है। तो आप उन कॉल्स को प्रॉफिट बुकिंग या फिर पेपर ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए मार्केट प्रेडिक्शन करना भी सिखाता हूं आप लोगों को कि किन रेजिस्टेंसेज का और किन सपोर्ट लेवल्स का नेक्स्ट डे आपको फॉलो अप करना है। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए, जिस अपडेट की मैं बात कर रहा हूं वो अपडेट देखिए कि प्रेस रिलीज है इनॉक्स ग्रुप की तरफ से, रेजेस ₹1500 करोड़ टेक्स ए सिग्निफिकेंट टुवर्ड्स अचीविंग 0 नेट डेप्ट। तो कंपनी की सबसे बड़ी देखिए जो खामी है, इनॉक्स ग्रीन और इनॉक्स विंड दोनों ही इनॉक्स ग्रुप से हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इनॉक्स एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी की। तो इनका जो ग्रो ना करने का सबसे बड़ा सवाल आता है उसकी वजह है कंपनी के ऊपर कर्जा, और किसी भी कंपनी के ऊपर कर्जा रहता है उसमें आप सुजलोन एनर्जी देख लीजिए कि सुजलोन के ऊपर भी अच्छा खासा कर्जा है, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं लेकिन अपसाइड मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो इसी बीच में इनॉक्स ग्रीन ने भी यहां पे देखिए ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए जो है रेज किए हैं, एक फंड रेज की तैयारी है, और उसमें जो है आने वाले टाइम में 0 नेट डेट करने की कोशिश की जा रही है। पर्सुएंट टू रेगुलेशन 30 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है रेगुलेशन 2015, प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड ए कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन बीइंग रिलीज बाय द कंपनी टू द प्रेस इन कनेक्शन विद द इनॉक्स GFL ग्रुप टेकिंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग 0 नेट डेप्ट। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो है 0 नेट डेप्ट करने की कोशिश जो है इनॉक्स ग्रीन ग्रुप की तरफ से देखने को मिल सकती है। और देखिए, एक और साथ में जो है प्रमोटर्स रेज ₹720 करोड़ थ्रू सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड एंड इन्फ्यूज द प्रोसीड्स ऑफ ₹623 करोड़ नेट ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस इन इनॉक्स विंड लिमिटेड। इनॉक्स विंड रिपेज ₹623 करोड़ टू GFL यानी कि गुजरात फ्लोरोटेक ग्रुप, रिसेंटली रेज ₹740 करोड़ थ्रू IPO ऑफ इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज। ऑपरेटिंग कंपनीज यूटिलाइजेज फंड्स टू पेयर डाउन डेट टू एंड रिड्यूस इंटरेस्ट आउट गो सस्टेनेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो है ये नेट डेप्ट का जो प्रोसेस आने वाले वक्त में जो अप्लाई करेगी इनॉक्स ग्रीन, यानी एक कह सकते हैं आप इनॉक्स ग्रुप जो करेगा, उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो अच्छी खबर है। फिनस्टार रेटिंग अगर इस कंपनी की देखें तो 2 स्टार, ऑनरशिप स्टेबल है, 3 स्टार, वैल्यूएशन फेयर है, एफिशिएंसी काफ़ी पुअर और फाइनेंशियल्स भी वीक देखने को मिल जाते हैं। मार्केट कैप 3328 करोड़ का है, और जिसकी मैं बात कर रहा था
64 करोड़ का डेप्ट है, बुक वैल्यू 82 रुपये की है, फेस वैल्यू स्टॉक की 10 है, और एक बुक वैल्यू से अपने नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक अंडर वैल्यूड कंडीशन में आप कंसिडर करके चल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है। सेप्टेंबर के अंदर जो है प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 72.24% रही थी, जिसमें से 3.5% स्टॉक जो है वो गिरवी देखने को मिल जाते हैं। लिमिटेशन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ है, पुअर रिवेन्यू ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल नेगेटिव देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी इनॉक्स ग्रीन के रिगार्डिंग नहीं देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास 25.24% स्टेक और FII के पास 2.51% स्टेक, जिसमें से 72.24% जो है प्रमोटर के पास और उसमें से 3.5% के आसपास गिरवी रखा हुआ। तो कहीं ना कहीं कंपनी एक स्टार्टअप करने की कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले वक्त में कंपनी की हालत जो है करंट लेवल्स पे वो सुधरती हुई नजर आ सकती है।